जनपद में 37 केंद्रों पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। आपको बता दें कि जनपद में 17,773 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से कुल 8,733 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 9,040 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। जिसके संबंध में परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर बहुत ही अच्छा आया था और ज्यादातर सवाल करंट अफेयर से आए थे, उम्मीद है कि निकल जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पेपर देने आए अभ्यर्थियों ने कहा, पेपर मीडियम था, कुछ हार्ड नहीं था ज़्यादा। से पहले कभी एग्जाम दिया है? जी नहीं, फर्स्ट टाइम। बट किस तरह के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन ज़्यादातर करंट पे थे और इकोनॉमिक्स वगैरह। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? देखिए निकलना चाहिए। अनुज आज एवरेज क्वेश्चन आए थे, जिसने पढ़ाई करा था उसके लिए आसान था। कैसा रहा पेपर आपका? मेरा अच्छा था। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? उम्मीद पॉजिटिव है, होपफुल है। यस पी यादव, एग्जाम में कैसा रहा था? पेपर संविधान का पेपर थोड़ा सा इजी था, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पूछा था और हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन कठिन रहे और करंट का कुछ क्वेश्चन जो था वो इजी लग रहा था और बाकी ले दे के जो पेपर था मॉडरेट था, मतलब जो पढ़ा वो कर सकता है। मेरा भी अच्छा खासा हुआ है। क्या लग रहा है, निकल सकता है? अगली बार की अपेक्षा पेपर कठिन था ये देखा जाए तो। पहले आपने एग्जाम दिया? जी सर, इसके पहले मैं एग्जाम दे चुका हूँ। पेपर ऐसा था कि कुछ कह नहीं सकते, आप जितना भी तैयारी कर लीजिए आपके लिए कम ही रहेगा। आजकल पेपर का पैटर्न भी बहुत चेंज हो गया, लेकिन कुछ मिलाकर ठीक ठाक ही था। इससे पहले आपने एग्जाम दिया? हाँ, मैंने एक पहले भी अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा अच्छा था। क्या लग रहा है आज का पेपर? अब इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं।